स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन जो है 10th यूनिट में एक और टॉपिक है। ऑक्सीजनेशन क्या होता है, ऑक्सीजनेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कब कब ऑक्सीजन देना पड़ता है, तो वो सारे जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे। ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या है, अ मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन द बॉडी। बॉडी में ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कितना है उसका मेजरमेंट करना, दैट इज नोन एज ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन द प्रोसेस बाय विच कंसनट्रेशन ऑफ O2 इज विद इन द टिश्यू। जो हमारे बॉडी में टिश्यूज जो है वहाँ पे कितने ज़्यादा O2 जो है वो प्रेजेंट है, कितना O2 नहीं है, O2 के जितने भी वो मैकेनिज्म जो है, जो भी फंक्शंस जो है, तो टिश्यूज़ में उसका कंसनट्रेशन ऑफ O2 कितना होना चाहिए। O2 जो है उसको फ्रॉम उसका एक नॉर्मल रेंज होता है, उसके अंदर है कि नहीं, अगर नहीं है तो उससे ज़्यादा, अगर नहीं है तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। तो ये सारा जो है वो ऑक्सीजनेशन में आता है। तो कौन कौन सा, अभी नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जिसके वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो सकता है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन में सबसे पहले है फोर फैक्टर्स है। फोर फैक्टर्स जो, एक है फिजियोलॉजिकल, एक है डेवलपमेंटल, तीसरा है बिहेवियरल और एनवायरमेंटल। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम या डिजीज़ के वजह से बॉडी में O2 लेवल कम होना, उसके वजह से वो जो चीज़ है वो फिजियोलॉजिकल में आएगा। डेवलपमेंटल में क्या है, डेवलपमेंट जैसा होता है कि बच्चे से लेके जब हम अडल्ट हो जाते हैं तब में डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ग्रोथ में डेवलपमेंटल इसे अगर हम देखा जाए तो, अगर ईजी लैंग्वेज है, ग्रोथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसके वजह से O2 लेवल जो कम होती है उसको हम पढ़ेंगे। बिहेवियरल में क्या है, कोई भी बिहेवियर के वजह से, सपोज स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग जैसा कोई भी टोबैको वगैरह जितने भी हो गए उसके वजह से, कोई भी बिहेवियर प्रॉब्लम के वजह से, कोई भी हमारे बैड हैबिट्स के वजह से जो हमें नहीं करना चाहिए उनकी वजह से जो ऑक्सीजन की कमी होता है वो बिहेवियरल में आएगा। एनवायरमेंटल मतलब कि आसपास में जो भी हो रहा है आपके एनवायरमेंट में, अगर ऐसा है कि अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है या फिर एनवायरमेंट में क्या है कि ट्रीज़ ज़्यादा नहीं है, डिफॉरेस्टेशन हो रखा है, तो उसके वजह से जो भी ऑक्सीजन की लेवल, ऑक्सीजन जो है हम इंस्पायर नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके वजह से भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो सकता है, तो वो हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। तो ये चार है, फिजियोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, बिहेवियरल एंड एनवायरमेंटल। सो फर्स्ट वी विल डील विद फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में अनीमिया, अनीमिया मतलब कि ब्लड, आपको पता ही होगा ब्लड जो है वहाँ पे ऑक्सीजन कैरी करती है, ब्लड जो है बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है, तो अगर अनीमिया हो रखा है, अनीमिया मतलब एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे बॉडी में ब्लड की कमी होना, अनीमिया इज़ अ कंडीशन वेयर देयर इज़ अ रिडक्शन इन ब्लड लेवल। तो जिनको अनीमिया हो रखा होगा, जिनका ब्लड लेवल कम हो रखा, तो फिर ब्लड लेवल जब कम हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करती है, जब ब्लड ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो सकता है। तो अनीमिया, जिन पेशेंट को अनीमिया होगा उनको ये ऑक्सीजनेशन जो है, ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो देने की अगर ज़रूरत हो सकती है। उसके बाद एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि फ्रॉम माउथ और फ्रॉम नोस या फिर माउथ या फिर ये जो भी है जहाँ पे एयर जाती है, जैसे फ्रॉम नाक से ऐसे या फिर माउथ से जो जाती है, तो यहाँ पे ट्रैकिया वगैरह हो गया या फिर ब्रोंकियोस या फिर ये जो ब्रोंकाई वगैरह में या फिर कोई भी एल्वियोलाई में यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ये जो पूरा एक रूट है फ्रॉम नोज टू द लंग्स जो है, पूरा एक रूट में किसी भी चीज़ के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी हो सकता है, कोई भी डिजीज़ हो सकती है, लंग्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो सकता है, जहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग हो रखा होगा या फिर कोई भी चीज़ के वजह से जहाँ पे फ्लूइड, अगर लंग्स में अगर जो है पानी भर गया होगा या फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया होगा, कोई भी डिजीज़ के वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो गया होगा, जिसके वजह से क्या होगा वहाँ पे एयरवे जो है, एयर जो है वहाँ पे नहीं पहुँच पाती होगी, तो उसके वजह से भी हम ऑक्सीजन थेरेपी, हम जिनको ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम हो सकता है। और ऐसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और भी है, जैसे कि अगर टॉन्सिलाइटिस वगैरह हो गया तो आसपास के जो भी ऑर्गन्स वगैरह हैं वहाँ पे भी क्या होगा, अगर थायराइड जिनको होगा तो वहाँ पे क्या होगा, तो इन ज़्यादा पेशेंट्स में क्या होता है कि एयरवे जो है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाने की वजह से आसपास के जो लोकल वाले जो ऑर्गन्स हैं, लोकल ऑर्गन्स में अगर कोई भी स्वेलिंग हो जाता है जिसके वजह से एयरवे जो है, जहाँ पे एयर जाती है, एयर का
जो पाथ है वहाँ पे ऐसे अगर उसको अगर दबा देते हैं वहाँ पे, जो अगर नैरो कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एयर जो है हम लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज़ को हम बोलेंगे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि ये सारे जो लंग डिजीज से रिलेटेड हो गया, पानी भरने की वजह से हो गया, या फिर कोई भी चीज़ हो गया जो नैरो होने की वजह से हो गया, जो हम सांस लेते हैं वो नैरो होने की वजह से, या फिर नाक में कोई भी इन्फेक्शन हो रखा हो, तो किसी भी रीज़न की वजह से O2 जो है, जो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में जाना जो है बहुत कम हो गया, उससे उसको हम बोलेंगे उस वाले पेशेंट को हम क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी। ओके, पेन हो रहा होगा, पेन अगर पेन भी हो रहा होगा तो फिर क्या होता है, पेन में कुछ कुछ ऐसा पेन्स होते हैं जहाँ पे सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लंग्स में अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन या डिजीज़ हो रखा होगा तो फिर जब हम सांस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो क्या होता है कि सांस जो है बहुत कम लेना कोशिश करते हैं ताकि पेन जो है उसको क्या करे, पेन जो है वो ज़्यादा ना हो। तो पेन की वजह से भी ऑक्सीजन थेरेपी हम दे सकते हैं। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड मतलब कि आपने देखा होगा, हाई एल्टीट्यूड मतलब जैसे हिमालयन रेंजेस जो हो गया, सी लेवल से बहुत ज़्यादा, जैसे सी लेवल से 11,000 12,000 20,000 फीट जो है वो ऊपर हो जाना, जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होना, जहाँ पे आपने देखा माउंट एवरेस्ट हो गया, हिमालयन रेंजेस हो गया, जैसे जैसे आप ऊपर चलते रहोगे, जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर जाते रहोगे, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो हाई एल्टीट्यूड मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, दैट्स वाई वहाँ उस पेशेंट्स को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ऐसे वाले जो फिजियोलॉजिकल जो है वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन जो है बहुत कम मिल जाती है। उसके बाद ओबेसिटी मतलब कि हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी होना, हेल्दी इसलिए बहुत ज़्यादा फैटनेस होने की वजह से, बहुत ज़्यादा फैट होने की वजह से, बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी होने की वजह से भी हो सकता है। बिकॉज जो क्या होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट जो है बढ़ने की वजह से क्या होता है, ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी के अंदर वो क्या थोड़ा कंजस्टेड हो जाते हैं, जिसके वजह से जो हमारा एयरवे वगैरह हो गया तो वो क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रॉमा कैसे, ट्रॉमा अगर कोई भी ट्रॉमा हो रखा हो, ट्रॉमा मतलब एक्सीडेंट्स कोई भी होने के वजह से भी हो सकता है। एक्सीडेंट अगर कोई भी एक्सीडेंट के वजह से अगर चेस्ट में वो हो गया, चेस्ट में अगर लगा कोई भी इंजरी हो गया, या फिर हेड इंजरी हो गया, तो आसपास के जहाँ जहाँ पे मोस्टली तो चेस्ट में अगर इंजरी हो जाता है, ट्रॉमा कोई भी एक्सीडेंट के वजह से मेजर इंजरी हो जाता है, तो उसके वजह से भी क्या होता है कि O2 जो है वो थेरेपी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, मस्कुलोस्केलेटल एब्नॉर्मलिटी मतलब कि स्केलेटल और मसल्स में अगर कोई भी एब्नॉर्मलिटी होता है तो उसके वजह से भी क्या होता है कि O2 थेरेपी हम देंगे। O2 इज़ ऑक्सीजन, O2 जो है शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सीजन के लिए। ओके, डेवलपमेंटल में क्या है, डेवलपमेंटल में जैसे मैंने बताया था, डेवलपमेंटल इज़ ग्रोथ। डेवलपमेंटल में क्या होगा, प्री मेच्योरिटी, इन्फेंसी और ओल्डर एडल्ट्स। डेवलपमेंटल प्री मेच्योरिटी मतलब कैसा होगा, जो बच्चे जो है वो 7 महीने, जैसे नॉर्मल फुल टर्म किसको बोलते हैं, फुल टर्म उनको बोलते हैं जो बच्चे जो है 9 मंथ्स में पैदा हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है प्री मेच्योरिटी में, क्या जो 7 महीने में पैदा हो जाते हैं, 7 महीने से कभी कभी क्या होता है, बहुत रेयर केसेस होता है कि 7 महीने से कम में जो बच्चा पैदा होता है वो ज़िंदा रहता है। तो ये क्या होता है, फुल टर्म 9 महीने होने से पहले जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो मेच्योर नहीं होता है। तो प्री मेच्योरिटी मतलब बच्चे जो है मैच्योर नहीं होते हैं। मैच्योर क्यों नहीं होते, अगर मैच्योर नहीं होते हैं तो उनके जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी जो है वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है। फुल्ली डेवलप नहीं होता है तो फिर क्या होगा, जब बाहर बेबी जो है वो वूम्ब से जो है, मम्मी का जो मॉम का जो वूम्ब है, मॉम के वूम्ब से जब बाहर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन थेरेपी ज़्यादा देनी ज़रूरी होगी, क्योंकि उनके जो ऑर्गन्स जो है वो फुल्ली डेवलप नहीं होने की वजह से। इन्फेंसी मतलब ये जो बच्चे जो है 28 डेज के अंदर वाले जो होते हैं, पैदा होने से 28 डेज 1 महीने के अंदर वाले जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंस बोलते हैं। तो इन्फेंसी जो होता है ये 28 डेज वाले जो होते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सांस लेना और ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को फेंकना, किसी को ये मैकेनिज़म जो है नहीं आता है। वो कैसे, कभी कभी क्या होता है, न्यूरो में नर्व में कोई भी प्रॉब्लम हो रखा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रखा हो, जिसके वजह से सांस लेना और सांस फेंकना नहीं आता हो, तो ऐसे वाले जो बच्चे होते हैं 1 से 28 दिन के जो बच्चे होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए इन्फेंसी बोल रखा है यहाँ पे। ओल्डर एडल्ट्स मतलब कि जो बड़े हो गए बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी हमें
तो ओल्डर एडल्ट्स में क्या होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें कैसा प्रॉब्लम आएगी, जिनके लंग्स जो है बचपन से, जिनका लंग्स जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो रखा है, जिनको बाहर से ऑक्सीजन थेरेपी लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो ऐसे वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको ऑटोथेरेपी हम देंगे। ओके, ये हो गया डेवलपमेंटल। उसके बारे बिहेवियरल में क्या है, जिनका न्यूट्रिशन, जो खाना पीना जिनका हुआ, न्यूट्रिशन में जितना खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स जितने लेने चाहिए, तो वो क्या होता है वो नहीं लेते हैं। उसके वजह से क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर हो जाता है, जिसके वजह से ऑटोथेरेपी जो है मैकेनिज्म जो है वो ख़राब हो जाता है। तो न्यूट्रिशन अगर ढंग से नहीं लेता है, उसके वजह से भी ओ2 लेवल जो है वो कम हो सकता है। उसके बाद है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जो है हेल्थ कॉन्शियस वाले जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बॉडी कैपेसिटी से ज़्यादा जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है। जिसके जैसे सपोज़ ले लो, जो रनर्स होते हैं, जो मैराथन दौड़ के आते हैं, बहुत ज़्यादा भाग भाग के आते हैं, उनमें क्या होता है, सांस की कमी हो जाए, वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं कि अपने लंग्स जो है बहुत जल्दी काम करने के लिए वो लोग प्रेशर जब देते हैं, तब ऐसे लोग जो है तो उनको ऑटोथेरेपी हम देते हैं। उसके बाद स्मोकिंग जो करते हैं, जो लोग सिगरेट वगैरह या फिर ये जो अदर जो भी चीज़ें हैं, जो बीड़ी वगैरह ये जो फूकते हैं, तो स्मोकिंग वगैरह जो लोग करते हैं, जो लोग सिगरेट वगैरह जो पीते हैं, इनको भी क्या होता है कि ऑटोथेरेपी दे सकते देना होता है। क्योंकि क्या होता है, ये लोग स्मोकिंग कर करके क्या होता है, उसका स्मोक जो है उसके वजह से लंग्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से O2 एंड CO2 जो है उसके गैस जो है एक्सचेंज नहीं हो पाती है, जिसके वजह से CO2 जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू O2 स्मोकिंग के वजह से। एन्जाइटी मतलब बहुत ज़्यादा फेयर, बहुत ज़्यादा डर के वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस के वजह से क्या होता है कि कुछ लोग जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर हो जाता है, जिसके वजह से लोग जो है सांस जो है बहुत रैपिड लेना शुरू कर देते हैं। वो लोग ऐसा होता है कि लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लग जाता है, तो उसके वजह से भी क्या होता है कि ऑटोथेरेपी देते हैं, ताकि जितना ऑक्सीजन जो है ब्रेन तक उतना नहीं पहुंचा पाते जितना उनको पहुंचना चाहिए, ऐसे जब भी उनको एंजाइटी अटैक वगैरह आता है, तब डिप्रेशन के वजह से भी हो सकता है। डिप्रेशन जो है वो भी, उसके वजह से भी क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ये जो है डिप्रेशन, इट इज़ लाइक ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई भी बीमारी है, ये जो है बस दिमाग में होता है कि हाँ डिप्रेशन हो रखा है, जिसके वजह से क्या है लोग जो है अपने आप को बंद कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या है कि उनके बॉडी में कुछ भी ऐसा चीज़ जो ट्रिगर हो जाता है, जिसके वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके वजह से O2 जो है ऑटोथेरेपी देते हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल मतलब आपके आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं उसमें कोई भी टॉक्सिसिटी जो है अगर कोई भी पॉइजनस चीज़ जो है अगर वहाँ पर प्रेजेंट हो, जैसे एस्बेस्टोस जो है अगर ऐसे फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर एस्बेस्टोस जो है बनती है, तो ऐसे फैक्ट्रीज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो लोग स्मोक जो है वो लोग एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, और उसके बाद क्या होता है वही स्मोक जो है अगर हम उसको इनहेल कर लेते हैं तो फिर क्या होता है हमारे लंग्स में प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके वजह से एयरवे जो है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उस टाइम पे हम O2 थेरेपी देंगे। एलर्जेंस में क्या होता है, कोई भी एलर्जी के वजह से, एलर्जी में क्या चाहे वो बादाम हो, स्ट्रॉबेरी हो, ब्रिंजल हो, कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, कुछ भी एलर्जी जो कॉज कर रहा है, डस्ट हो गया, एनीथिंग एलर्जी में जो भी एलर्जी कॉज करता है उसके वजह से भी क्या होता है ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। पोल्यूशन में ऑफकोर्स, पोल्यूशन में क्या होगा अगर बहुत ज़्यादा क्या है कि पेड़ जो है बहुत कम है और बहुत ज़्यादा आसपास जो है बहुत ज़्यादा स्मोक कैसे होगा, जैसे गाड़ी जो चलाते हैं वहाँ से बहुत सारा वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, तो एनवायरनमेंट में पेड़ के कम होने की वजह से O2 जो है वो कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना, उसको जब इनहेल करते हैं तो फिर क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। पॉलन मतलब कि ये जो फूल वगैरह होता है तो उनके जो पॉलन्स जो है वो ऐसे जो स्प्रिंग के टाइम जब विंड जब ब्लो होता है तब जब उड़ते हैं तो उसकी वजह से भी किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी होता है, तो उसके वजह से भी O2 जो है उसमें थेरेपी दिया जाता है। ओके, तो ये सारा हो गया फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें ऑटोथेरेपी हम देते हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन इन्हेलेशन का मतलब क्या है। पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन आर ट्रीटेड विद O2 इन्हेलेशंस टू रिलीव
एनोक्सीमिया और हाइपोक्सीमिया. एनोक्सीमिया और हाइपोक्सीमिया मीन्स लैक ऑफ ओटो इन द ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजन इनहेलेशन का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा डिजीज़ या फिर कोई भी ऐसा कोई भी बीमारी जो है बॉडी में होने की वजह से ओटो का जो लेवल जो है कम होने की वजह से क्या होगा, हमें ओटो थेरेपी देना पड़ेगा उस डिजीज़ में. ज़्यादातर क्या होता है, जो लोग जिनका लंग्स में कोई भी डिजीज़ हो रखा हो या फिर क्या होगा कि गले में कोई भी सर्जरी हो रखा हो जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे जो डिजीज़ हो गए, ऐसे कोई भी कंडीशन वाले जो पेशेंट्स हो गए जिनको ऑक्सीजन देना है, जिनका बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, दैट इज़ नोन एज ऑक्सीजन इन्हेलेशन. तो ये जो है ऑक्सीजन इन्हेलेशन, ऑक्सीजन जो है बॉडी में कितना होना चाहिए, उसका अमाउंट 80 to 100 mm ऑफ Hg. Hg स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी. तो 80 to 100 जो है उसका नॉर्मल रेंज होता है. नॉर्मली क्या 60 से ज़्यादा नीचे हो जाता है तब तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए. तो नॉर्मल जो है बॉडी में ऑक्सीजन लेवल 80 to 100 अगर होगा दैट मीन्स इट्स नॉर्मल. ओके, इंडिकेशन फॉर ओटो थेरेपी. ओटो थेरेपी इंडिकेशन मतलब कौन कौन से ऐसे पेशेंट होगा जिनको ओटो थेरेपी देना ही देना. इंडिकेशन मतलब इंडिकेट करना, पॉइंट करना कि जिसको देना है. साइनोसिस जिसको हो रखा है, जिसके बॉडी में साइनोसिस मतलब कि बॉडी में ओटू की कमी के वजह से, ऑक्सीजन की कमी के वजह से डिसकलरेशन ऑफ द स्किन ब्लू ब्लू जैसा होने लग जाता है, तो वहाँ पे साइनोसिस जिसको हो रखा होगा उनको हम लोग ओटू थेरेपी देंगे. ब्रेथलेसनेस, ब्रेथलेसनेस मतलब कि जिसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उनको हम ओटू थेरेपी देंगे. हाई अल्टीट्यूड मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा हाई हिमालय रेंजेस हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, जो लोग माउंटेन्स में या फिर हाई अल्टीट्यूड, ज़रूरी नहीं है कि माउंटेन क्लाइंब करेंगे तभी हाई अल्टीट्यूड होगा. जो लोग पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं, पैराग्लाइडिंग मतलब जो पैराशूट से ऐसे पैराग्लाइडिंग उड़ते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी कहते बहुत हाई एल्टीट्यूड में चले जाते हैं जिसके वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है. तो ऐसे वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी होगी हाई एल्टीट्यूड में जाने के बाद, तो इनको ऑटोथेरेपी हम देंगे. अनीमिया, अनीमिया मतलब कि ब्लड की कमी होना बॉडी में. बॉडी में ब्लड की कमी होना मतलब कि ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करते हैं, तो ब्लड की कमी होगी मतलब ऑक्सीजन भी कम हो गया. उसके बाद पेशेंट्स अंदर एनेस्थीशिया, जो पेशेंट जो है एनेस्थीशिया जिनको चढ़ाया होगा तो वो लोग क्या है, वो लोग बहुत अनकॉन्शियस कंडीशन में होगा, तो फिर क्या होता है कभी कभी उनके जो बॉडी मैकेनिज्म जो है, कभी कभी उनको ये पैटर्न जो है सांस इनहेल और एक्सहेल करना, ये पैटर्न जो है वो लोग उसमें नहीं कर पाते हैं डिसफंक्शन होने की वजह से, कुछ भी रीज़न के. एनेस्थीशिया जो पेशेंट होता है किसी भी रीज़न के वजह से ये जो इनहेल और एक्सहेल वाला जो चीज़ है वो लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी देंगे. पेशेंट्स हुआ क्रिटिकली इल, क्रिटिकली इल मतलब बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ हो रखा हो या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रेन इंजरी ट्रॉमा बहुत मेजर वाला हो रखा हो, तो ऐसे वाले पेशेंट को हम लोग ऑटो थेरेपी देंगे. ओके, ये हो गया इंडिकेशन कौन कौन से पेशेंट को देंगे. मैथड्स ऑफ ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन, मैथड्स ऑफ ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे ऑटो थेरेपी देंगे. ऑटो हम कैसे देंगे, यहाँ तो हमने सब पढ़ लिया कि ऑटो देंगे ऑक्सीजन देंगे ऑक्सीजन देंगे ऑक्सीजन देंगे, बट ऑक्सीजन देंगे कैसे. नेज़ल कैन्यूला, नेज़ल कैन्यूला देंगे. नेज़ल कैन्यूला जो है वो क्या होता है कि नेज़ल कैन्यूला जो है कैन्यूला जैसे ही होता है, उसमें पाइप जैसा ट्यूब्स जो होता है उसमें टू में डिवाइडेड होता है, तो नेज़ल कैन्यूला हम देंगे. नेज़ल मतलब कि नोज़, फ्रॉम नोज़ के थ्रू देंगे, या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर, वेंटिलेटर जो है वहाँ पे भी उससे भी हम ऑटोथेरेपी जो हम देंगे. मास्क लगाएंगे, ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे और नेज़ल कैथेटर, नेज़ल कैथेटर हम लोग लगाएंगे. तो नेज़ल कैन्यूला, मैकेनिकल वेंटिलेटर, मास्क और नेज़ल कैथेटर, इसके बारे में आप लोगों को लिख के आना है असाइनमेंट के तौर पर. थैंक यू क्लास.